नमस्कार साथियों, आप सभी का जन सरोकार मंच के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं विष्णु दद्दादिच अध्यापक राजकीय सेवा में टोंक में ही कार्यरत हूं और आज मुझे इस कार्यक्रम में मौका दिया गया है। इस संदर्भ में मैं कुछ भूमिका रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कविता लेखन का कार्य विशेष रूप से कठिन कार्य नहीं है। अगर मन में अगर विश्वास है, ठान रखा है आपने, दृढ़ निश्चय है, तो आप अच्छी कविताएं लिख सकते हैं। इसके लिए एक पंक्ति, कुछ पंक्ति लिखी हुई है कि इश्क को दिल में जगह दे नासिक, इल्म से कभी शायरी पैदा नहीं होती। तालीम लेने से कोई शायर नहीं होता है। मैंने बचपन से भी देखा है कि बहुत सारे आंसू कवि होते हैं जिन्होंने कभी कह भी नहीं पढ़ा है, लेकिन वास्तव में अगर हमारे दिल में जो विचार हैं, हमने जो समाज में व्यवस्थाएं देखी है, हमने समाज के अंदर जो दृश्य देखा है, हमारे विचारों को हमने शब्दों के रूप में जो स्पष्ट रूप से लिखा है, वो ही कविता के भाव है। कविता के कई रूप हो सकते हैं। मैं दो पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी दिल के भाव हैं वो आप खुले दिल से लिखें, अवश्य आप कामयाब होंगे। मैं कोई इतना बड़ा कवि नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस मंच ने स्थान दिया, इसलिए मैं उस मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ। हर कदम पर मुड़ने वाली रह गुजर है जिंदगी, सांसों के एक कोने का सफ़र है जिंदगी। जिंदगी में जो भी करना चाहता है कर गुजर, क्या खबर बरसों की या लम्हा भर की है जिंदगी। ये मैंने कॉलेज में दो पंक्तियाँ लिखी थी और इन्हीं को मैं वास्तव में है कि जिंदगी में जो भी जीना है, आनंद लेना है, अच्छाई करनी है, लोगों का सहयोग करना है, लोगों को प्यार बांटना है, वो सब करना है, इन पंक्तियों में समाया हुआ है। इसी प्रकार से ऊर्जावान दो पंक्तियां और है मेरी। कह तो सकता नहीं आँखों के इशारे समझो, जो सजाएं ख्वाब वो नज़ारे समझो। जिंदगी दूर से अच्छी नहीं लगती दादिच, पास आने की गुजारिश के इशारे समझो। तो ज़िंदगी में मेरा एक वाक्य है जो इंडियन आर्मी के उसमें लिखा हुआ था और मैंने पढ़ा था कि हार्ट इज़ द बेस्ट वे टू इन द माइंड। तो बस इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं भी कुछ लिखता हूँ, प्रयास करता हूँ। आप सभी का प्यार मिलता है, हौसला मिलता है मुझे आप सभी का सहयोग से। आप सभी जब दाद देते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से मैंने वो वीर रस पर एक कविता लिखी है अभी लॉकडाउन में, जब महाराणा प्रताप जयंती आई थी और बहुत सराही गई है ये कविता मेरी, और आशा करता हूँ कि आप सभी का भी आशीर्वाद मिलेगा। महाराणा प्रताप के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डालते हुए मैंने ये लिखी है। शीर्षक महाराणा प्रताप ही रखा है क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा शीर्षक मिल नहीं सकता। यो मेवाड़ी सिरमोर है धरती माँ को लाल, यो महाराणा प्रताप है मातृभूमि की ढाल। यो मेवाड़ी सिरमोर है धरती माँ को लाल, यो महाराणा प्रताप है मातृभूमि की ढाल। अर जन्म भूमि के कारण छोड़या सब कुछ राज, जन्म भूमि के कारण छोड़या सब कुछ राज। रण में अब यो आ डट्यो की को बण यमराज, रण में अब यो आ डट्यो की को बण यमराज। रण भेरी गूंजन लगी खड़े रणचंडी के लाल, रण भेरी गूंजन लगी खड़े रणचंडी के लाल। और सिर पर सोहे केसरिया और एक लिंग जी भाल, और सिर पर सोहे केसरिया और एक लिंग जी भाल। राणो रूप विकराल है रोक सके न काल,
राणो रूप विकराल है, रोक सके न काल, अर बेरिया ने यो काट रियो करके एक लिंग को नाद, बेरिया ने यो काट रियो करके एक लिंग को नाद। आज मुगलियो आँख करियो जो मेवाड़ी मेर, आज मुगलियो आँख करियो जो मेवाड़ी मेर, अर दो फाका में काट दियो यो मेवाड़ी शेर, दो फाका में काट दियो यो मेवाड़ी शेर। दुश्मन तीतर भीतर भागे, दुश्मन तीतर भीतर भागे हल्दी घाटी माए, दुश्मन तीतर भीतर भागे हल्दी घाटी माए, पर मेवाड़ी शेरा सू तो बचकर कैसे जाए, पर मेवाड़ी शेरा सू तो बचकर कैसे जाए। राणो जब सामे आयो तो, राणो जब सामे आयो तो थर थर काँप्यो मान, राणो जब सामे आयो तो थर थर काँप्यो मान, अर होदा माई छुप करके मान बचायो प्राण, होदा माई छुप करके मान बचायो प्राण। चेतक बड़ो दिलेर है, चेतक बड़ो दिलेर है स्वामी भक्त कहलाए, चेतक बड़ो दिलेर है स्वामी भक्त कहलाए। राणा के प्राणा के खातिर, राणा के प्राणा के खातिर अपने प्राण गवाए, राणा के प्राणा के खातिर अपने प्राण गवाए। अकबर कुंठित होए के, अकबर कुंठित होए के बार बार चढ़ आयो, अकबर कुंठित होए के बार बार चढ़ आयो, राणा के भाला के आगे पाछो दिल्ली भायो, राणा के भाला के आगे पाछो दिल्ली भायो। ऐसे वीर सपूत को, ऐसे वीर सपूत को बारंबार प्रणाम, ऐसे वीर सपूत को बारंबार प्रणाम। त्याग मान मर्यादा का जग में ऐसा नहीं प्रमाण, त्याग मान मर्यादा का जग में ऐसा नहीं प्रमाण। ऐसे वीर शिरोमणि को, ऐसे वीर शिरोमणि को दादिच करता वंदन, ऐसे वीर शिरोमणि को दादिच करता वंदन। सूरज बनकर चमकेगा ये मातृभूमि का नंदन, सूरज बनकर चमकेगा ये मातृभूमि का नंदन। यो मेवाड़ी सिरमौर है धरती माँ को लाल, यो महाराणा प्रताप है मातृभूमि की ढाल। वंदे मातरम। जन्मभूमि से बढ़कर कोई बढ़कर नहीं होता है, और हर देश के नागरिक को जन्मभूमि से प्रेम करना चाहिए। इसी प्रेरणा के साथ मैंने ये कविता लिखी थी, और आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। इसी के साथ मैंने मोटिवेशनल कुछ कविताएं भी लिखी है। ये मेरी कॉलेज की लिखी हुई कविता है जो राजस्थानी पृष्ठभूमि को आपको आभास कराएगी कि वक्त के धारे बदल देना मेरा अरमान है, वक्त के धारे बदल देना मेरा अरमान है, थार को बगिया बना देना मेरा एक ख्वाब है, थार को बगिया बना देना मेरा एक ख्वाब है। चूम लेना है गगन को, चूम लेना है गगन को, ये मेरे अल्फाज हैं। विजय दिवस हर दिन मनाना ही मेरा आगाज है, विजय दिवस हर दिन मनाना ही मेरा आगाज है। हर खुशी को हासिल कर लो, हर खुशी को हासिल कर लो, ये मेरा पैगाम है। रंग जीवन में भरूंगा ये मेरा विश्वास है, रंग जीवन में भरूंगा ये मेरा विश्वास है। अब मैं बहुत ही लॉकडाउन में लिखी हुई मेरी एक श्रृंगार रस पे लिखी हुई, तो 3-4 कविताएं हैं श्रृंगार रस पे, लेकिन मैं चाहूँगा कि बहुत ही ये शीर्षक इसका टाइटल दिया है मैंने गौरी का परिचय, क्योंकि मानव जीवन में अब श्रृंगार भी बहुत अहम रखता है और जीवन के हर पहलुओं को देखना पड़ता है, श्रोता हर प्रकार से मिलते हैं। गौरी का परिचय मैं स्टार्ट करता हूँ। कि सजल नयन पुलकित मन, सजल नयन पुलकित मन,
मधु टपकाते होठ, गोरी किसको देख रही ले घूंघट की ओट, गोरी किसको देख रही ले घूंघट की ओट। बहुत ही नायिका के ऊपर लिखा हुआ है ये, और बहुत ही उम्दा रचना है मेरी दृष्टि से, और आशा करता हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। कि सजल नयन पुलकित मन मधु टपकाते होठ, गोरी किसको देख रही ले घूंघट की ओठ, ये घूंघट की ओट बड़ी मन मोहक लागे, ये घूंघट की ओट बड़ी मन मोहक लागे, एक झलक पाने को मन मर्यादा लांघे, एक झलक पाने को मन मर्यादा लांघे। देखिए आगे, जब राजस्थानी नारी घूंघट में होती है तो आगे, कि छीने छीने वसन में निखरे रूप अपार, छीने छीने वसन में निखरे रूप अपार, तेरे तिरछे नयनन से होता दिव्य प्रहार, तेरे तिरछे नयनन से होता दिव्य प्रहार, तेरी मोहक कुरंग चाल से, तेरी मोहक कुरंग चाल से दमके तेरा रूप, तेरी छवि निहारने को तरसे सुर और भूप, तेरी छवि निहारने को तरछे सुर और भूप, तेरी मादक अंगड़ाई से भौरे हो जाए पागल, तेरे नयन कटोरे कहते बरसों मेरे बादल, तेरे नयन कटोरे कहते बरसों मेरे बादल, कमल कामनी कमल धरा पर, कमल कामनी कमल धरा पर कमल पुष्प सी सोहे, गोल कपोलों के भौरे तो दादिच मन को मोहे, गोल कपोलों के भौरे तो दादिच मन को मोहे, तेरे कामुक सम्मोहन से, तेरे कामुक सम्मोहन से लगे काम का बाण, अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ क्या लोगी मेरे प्राण, अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ क्या लोगी मेरे प्राण, वदन चूमती केस लताएं, वदन चूमती केस लताएं मन को मेरे भाए, वदन चूमती केस लताएं मन को मेरे भाए, हे तरुणी अपना परिचय दो, हे तरुणी अपना परिचय दो अब तो, हे तरुणी अपना परिचय दो अब तो रहा न जाए, अब तो रहा न जाए। ये मेरी लॉकडाउन में लिखी हुई श्रृंगार रस पर कविता थी, और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। और कविताएं तो बहुत लिखी है, और दौर भी चलता रहेगा, इसी बीच में मैं आपको मेरी वो कविता सुनाना चाहूँगा जो राजस्थान की दो तीन डाइट में छप चुकी है। संदेश है इस कविता का शीर्षक जो दिया है मैंने, संदेश। चूंकि मैं शिक्षक हूं, और शिक्षक होने के नाते समाज को संदेश भी
अनिवार्य है, और मैं खुद भी इस संदेश की पालना करने का भरकस प्रयास करता हूँ। और आप सभी से भी है कि इस संदेश को ग्रहण करें, और विशेष रूप से शिक्षक, क्योंकि समाज का जो निर्माता होता है शिक्षक होता है, और शिक्षक होने के नाते ही समाज का उसका दायित्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है एक आम नागरिक की तुलना में। तो संदेश में देखिए कि अनंत ज्ञान के इस सूरज को फीका मत पड़ने देना, अनंत ज्ञान के इस सूरज को फीका मत पड़ने देना, चाहे कितने तूफान आए इसकी आभा में रहना। क्योंकि शिक्षक अनंत ज्ञान का सूरज होता है, अपार ज्ञान का भंडार एक अबोध बालक के लिए। उसी प्रकार से ये कि अनंत ज्ञान के इस सूरज को फीका मत पड़ने देना, चाहे कितने तूफान आए इसकी आभा में रहना। बदल रही है आज फिजाएं, बदल रहा है मौसम, बदल रही है आज फिजाएं, बदल रहा है मौसम, और सामाजिकता के ताने बाने में उलझा हुआ तो हरदम। इस उलझन को सुलझाने का वक्त आ गया हमदम, सूरज और सितारा बनकर रोशन रहना हरदम। महक चमन से उड़ न पाए, चाहे काले बादल छाए, मन का दीप जलाने ना, अनंत ज्ञान की इस सूरज को फीका मत पड़ने देना, चाहे कितने तूफान आए इसकी आभा में रहना। पीछे अपना कदम न करना, पीछे अपना कदम न करना, और मुस्काना हरदम, घोर अंधेरा चाहे छाए, चाहे अपने रूठ भी जाए, बीच समंदर तू पस जाए, लहरें तुझको बहुत डराएं, मन को मत डरने देना, मन को मत डरने देना, दादिच ने जो विश्वास जगाया, दादिच ने जो विश्वास जगाया, उसको मत डिगने देना, अनंत ज्ञान के इस सूरज को फीका मत पड़ने देना, चाहे कितने तूफान आए इसकी आभा में रहना। परम लक्ष्य को भूल न जाना, परम लक्ष्य को भूल न जाना, और साधन भी सही अपनाना, रहा कठिन होती है बंदे, राह कठिन होती है बंदे, आज बढ़ा दे अपना कदम, मंजिल पाकर बैठ न जाना, याद रहे तुझको हरदम। शोहरत उसको मिल पाती है, शोहरत उसको मिल पाती करे हर पल हरदम, शोहरत उसको मिल पाती है जो कर्म करे हर पल हरदम, नाम बड़ा होगा जग में फिर, नाम बड़ा होगा जग में फिर, हावी मत होने देना, अनंत ज्ञान के इस सूरज को फीका मत पड़ने देना, चाहे कितने तूफान आए इसकी आभा में रहना, इसकी आभा में रहना, इसकी आभा में रहना। जय हिंद साहब, ये मेरी बहुत ही सुंदर, और इसके बाद मैं एक श्रृंगार की लूँगा, लेकिन उससे पूर्व मेरी एक मन की व्यथा, जो मन को कचोड़ देने वाले, मन को, मेरे मन को इस कविता को लिखने में मैंने कॉलेज के समय स्टार्ट किया था, और ये पूरी लगभग एक साल पहले हुई है। इस कविता का ये है कि ये सामाजिक दृष्टिकोण में, समाज में व्याप्त थोड़ा दार्शनिक पहलुओं को छूती हुई है, और दार्शनिक पहलुओं को इसलिए कि मैंने समाज में इन चीज़ों को देखा है, और व्यक्ति के अंदर इन चीज़ों को, जो इसमें मैंने व्यथा को, मन की व्यथा भी, इसका शीर्षक मन की व्यथा और आत्मध्वनि दोनों कह सकते हैं, दो शीर्षक दिए हैं मैंने इसके। तो आप जब इसको सुनेंगे तो इसके शब्दों पे गौर कीजिएगा, अपने आप आपको लगेगा, एहसास होगा कि ये दिल को छू लेने वाले शब्द हैं, और काफ़ी लंबे समय से मैं इसको लिखता आ रहा हूँ। मरा हुआ समझा है मुझको, मरा हुआ समझा है मुझको, मुझ में बाकी है सांस अभी, मरा हुआ समझा है मुझको, मुझ में बाकी है सांस अभी,
और दिया गया है जहर भी मुझको, पर जीने की है आस अभी। दिया गया है जहर भी मुझको, पर जीने की है आस अभी। कभी अंधकार भी डरता था, अब दीप तेज से डरता हूँ। कभी अंधकार भी डरता था, अब दीप तेज से डरता हूँ। मैं वही मनुज अनोखा हूँ जो हर मानव में रहता हूँ। मैं वही मनुज अनोखा हूँ जो हर मानव में रहता हूँ। मुझको लोगों ने भीड़ दिया, मुझको लोगों ने चीर दिया। मुझको लोगों ने भीड़ दिया, मुझको लोगों ने चीर दिया। मैं जिसका साथी बन बैठा, उसने ही मुझको पीर दिया। मैं जिसका साथी बन बैठा, उसने ही मुझको पीर दिया। वो आज उठाते हैं उंगली, वो आज उठाते हैं उंगली, जो कल तक मेरे कारिंदे थे। वो आज उठाते हैं उंगली, जो कल तक मेरे कारिंदे थे। वो आज भवन में बैठे हैं, जो कल तक एक दरिंदे थे। वो आज भवन में बैठे हैं, जो कल तक एक दरिंदे थे। छल कपट का यो जाल बुना, छल कपट का यो जाल बुना, मेरे मन का कब हाल सुना। छल कपट का यो जाल बुना, मेरे मन का कब हाल सुना। विश्वास नहीं अब अपनों पर, विश्वास नहीं अब अपनों पर, अब पाप बढ़ चुका कई गुना। विश्वास नहीं अब अपनों पर, अब पाप बढ़ चुका कई गुना। मेरा मूल्य अब क्षीण हुआ, मेरा मूल्य अब क्षीण हुआ, मेरा भवन अब जीर्ण हुआ। मेरा मूल्य अब क्षीण हुआ, मेरा भवन अब जीर्ण हुआ। मैंने सपन सजाया था, पर सपन मेरा प्रकीर्ण हुआ। मैंने सपन सजाया था, पर सपन मेरा प्रकीर्ण हुआ। अब मेरा भी दम घुटता है, और मरने को मन करता है। अब मेरा भी दम घुटता है, और मरने को मन करता है। पर मरने की भी बात नहीं, और डरने की भी बात नहीं। पर मरने की भी बात नहीं, और डरने की भी बात नहीं। हालातों से लड़ जाना है, पल पल यों मुस्काना है। हालातों से लड़ जाना है, पल पल यों मुस्काना है। और मन के प्रज्वलित ज्ञान दीप से, मन के प्रज्वलित ज्ञान दीप से तिमिर को दूर भगाना है। और वही सजगता, वही सौम्यता जीवन में अब लाना है। मरा हुआ समझा है मुझको, मुझ में बाकी है सांस अभी। दिया गया है जहर भी मुझको, पर जीने की है आस अभी। और जीने की है आस अभी, जीने की है आस अभी। जय हिंद साहब, ये बहुत ही उम्दा रचना मानता हूँ मेरे दृष्टिकोण से। आपको भी अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि मेरे मन के गुबार उबार आप जो भी समझें, ये इस दृष्टि से बहुत ही अच्छी है। जब मैं सिविल की तैयारी कर रहा था, तो उस समय मैंने अपने लिए लिखी थी। अब मैं बालकों के लिए, बच्चों के लिए इसको गाता हूँ, मेरे विद्यालय में है। और मैंने इसको बोर्ड पे भी लिखवाया हुआ है, चार पंक्तियाँ उसी में से। इसका शीर्षक का नाम दिया है मैंने विजय तिलक, कि ख्वाबों को हम सच कर डालें, ख्वाबों को हम सच कर डालें, आसमान को हम छू डालें। बने अजय जीवन में अब हम, बने अजय जीवन में अब हम, दिव्य दृष्टि अपनी कर डालें, दिव्य दृष्टि अपनी कर डालें। चाहे कुछ भी हो जीवन में, चाहे कुछ भी हो जीवन में, तूफानों से हम टकरा लें। चाहे कुछ भी हो जीवन में, तूफानों से हम टकरा लें। और फूल बिछा दें अपने पथ पर, फूल बिछा दें अपने पथ पर। और विजय तिलक अपना करवा लें, विजय तिलक अपना करवा लें, विजय तिलक अपना करवा लें। बहुत ही शब्दों को सादगी से पेश किया है मैंने, और अब मेरे जो शिष्य हैं उनके लिए ये मैंने प्रार्थना में भी बुलवाता हूँ, ताकि उनकी नई ऊर्जा हो, नई चेतना जागृत हो। अब मैं आपकी सभी की इच्छा हो तो एक श्रृंगार पे और सुना सकता हूँ, जो मैंने बूंदी कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था, पीजी कर रहा था, तब लिखी थी मैंने। और ये बहुत ही उम्दा रचना कह सकता हूँ मेरे दृष्टिकोण से, कि
इससे पूर्व मैं आपको, क्योंकि मैं भूगोल का विद्यार्थी भी हूँ, तो थोड़ा सामाजिक उस पर लेके जाना चाहता हूँ। और प्रदूषण के अभिशाप पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और उस पर मैं आपको कुछ सुनाना चाह रहा हूँ। प्रदूषण का अभिशाप। वर्तमान समय में भी देखा गया है कि कितनी बड़ी महामारियाँ सब आ रही है, तो हम सभी को इन बातों को गौर रखना चाहिए और प्रदूषण मुक्त पृथ्वी, देश नहीं पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी अगर प्रदूषण मुक्त होगी तो मानव का कल्याण होगा। प्रदूषण का अभिशाप स्यों, प्रदूषण का अभिशाप स्यों ये उपहार में पाया, प्रदूषण का अभिशाप स्यों ये उपहार में पाया, अर ओजोन में छेद हो गयो अर झुड़सी सबकी काया, अर ओजोन में छेद हो गयो अर झुड़सी सबकी काया। मानव की करतूता की अब सजा मिलेगी भाया, अर कई तरह का रोग उपज गया, कई तरह का रोग उपज गया अर पड़ रही काली छाया। वर्तमान में भी देख रहे हो बहुत महामारियाँ चल रही है, तो ये सब इसी का परिणाम है कि कई तरह का रोग उपज गया अर पड़ रही काली छाया, अर जड़ में डूब रही अब धरती, जड़ में डूब रही अब धरती, संकट घना आया अर प्रदूषण का अभिशाप स्यों ये उपहार में पाया। जंगल कटता जा रहा सगड़ा दूर जा रही छाया, अर ई माटी में मेल भर दियो अर तनकी करी सफाया, ई माटी में मेल भर दियो अर तनकी करी सफाया, पर मन को काड़ो बण्यो रहो तू कर्म कसाई भाया, अर प्रदूषण का अभिशाप स्यों ये उपहार में पाया। प्रकृति अब विकराल बन गई रोक सके थे भाया, प्रकृति अब विकराल बन गई रोक सके थे भाया, अर लालच में अंधा होकर थे खूब कमाई माया, लालच में अंधा होकर थे खूब कमाई माया, पर माया सुना जीत सकेगा तेरी माटी की है काया, प्रदूषण का अभिशाप स्यों ये उपहार में पाया, ओजोन में छेद हो गयो और झुड़सी सबकी काया। माया शब्द का मैंने दो शब्दों में प्रयोग किया है, माया का अर्थ धन है और एक जगह माया का अर्थ है प्रकृति भी कह सकते हैं हम उसको, और प्रकृति अर्थात ईश्वर, नेचर ही ईश्वर है ये हम जानते हैं, और माया का अर्थ ईश्वर से है। एक तरफ धन के रूप में प्रयोग किया है मैंने शब्द, और एक तरफ माया का ईश्वर के रूप में प्रयोग किया है। अभी लॉकडाउन के भीतर ही मैंने एक कविता लिखी है, वो भी श्रृंगार रस के ऊपर ही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरी एक कविता है वो सुनाना चाहूँगा। कुछ राजस्थान के ऊपर लिखा हुआ है वो, तो राजस्थान की विशेषता बताते हैं, थोड़ा दोहा टाइप है और लिखने का प्रयास किया है मैंने कि राजस्थान के इतिहास की कुछ विशेषताएं ली है उस कविता के, और प्रयास किया है कि शब्द इस प्रकार से जोड़े जाएं कि आप सभी को अच्छे लगें और कुछ अच्छा बने। नाम दिया है मैंने वीरधरा, राजस्थान की धरा वास्तव में वीरधरा है, कि या धरती वीरारी वीरारो अठे छे मान, अर जुग जुग स्यों करता रहा शीश धरा पे दान, या धरती वीरारी वीरारो अठे छे मान, अर जुग जुग स्यों करता रहा शीश धरा पे दान, अर मरणो अठे है मस्करी या वीरारी शान, ऐसो अलबेलो छे मारो राजस्थान, ऐसो अलबेलो छे
मारो राजस्थान। या धरती जबरी घनी और जबरी ई की खान, अर फौला दी है नारियां और पूत सिंह के मान। अर फौला दी है नारियां और पूत सिंह के मान। रण में जावे पीव तो, रण में जावे पीव तो नारी करे सिंगार। रण में जावे पीव तो नारी करे सिंगार। जो नर नारी ही ने छोड़े, जो नर नारी ही ने छोड़े तो शीश काट दे नार। जो नर नारी ही ने छोड़े तो शीश काट दे नार। हर ऐसो अलबेलो है मारो राजस्थान। या धरती धोरा धरी, या धरती धोरा धरी बसे है इमें प्राण। या धरती धोरा धरी बसे है इमें प्राण। अर पग पग पे मिलते यहाँ वीर सपूत महान। नारी हो पन्नाज सी, नारी हो पन्नाज सी करे वंश रो नाम। एक बार सोचा नहीं दियो पुत्र बलिदान। नारी हो पन्नाज सी करे वंश रो नाम। एक बार सोचा नहीं दियो पुत्र बलिदान। ऐसो अलबेलो है मारो राजस्थान। ऐसो अलबेलो है मारो राजस्थान। या धरती मरुमालरी, मरु और माल विशेषता रही है। या धरती मरुमालरी और मेरु इको ताज। तीन ही विशेषताएं हैं भौगोलिक दृष्टि से हमारे यहाँ, मरु मरुस्थल, माल यानि पठार और मेरु यानि पर्वत। या धरती मरुमालरी अर मेरु इको ताज, इस माटी में छुपे हुए हैं इस धरती के राज। या धरती है माँ मेरी, या धरती है माँ मेरी शीश वारता जाऊं। या धरती है माँ मेरी शीश वारता जाऊं, अर मनख जमारो फिर मिलियो तो ई धरती पे आऊं। अर मनख जमारो फिर मिलियो तो ई धरती पे आऊं। करते ऐसी कामना इस धरती के जवान, करते ऐसी कामना इस धरती के जवान। अर ऐसो अलबेलो है मारो राजस्थान। ऐसो अलबेलो छे मारो राजस्थान। जय जय राजस्थान साहब। अब मैं आपको थोड़ा वीर रस में आ गया, तो एक कारगिल युद्ध पे मैंने बहुत पहले कॉलेज टाइम में कविता लिखी थी और बहुत ही उम्दा रचना है मेरे दृष्टिकोण से। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी मैं कह सकता हूँ कि शिशु अवस्था में हूँ। कवि तो हूँ लेकिन शिशु अवस्था में हूँ, इतना अच्छा नहीं कह सकता मैं अपने आप को। और मैं कभी बड़ा कवि बनने का प्रयास तो करता हूँ, लेकिन हो सकता है आप सभी का आशीर्वाद रहा तो बनेंगे। तो कारगिल युद्ध में मैंने कविता लिखी थी और बहुत ही सटीक शब्दों में मैंने उस समय, क्योंकि कॉलेज में पढ़ता था, युवा जोश था, तो कि ए वतन के रखवालो, क्योंकि उस समय क्या था कि बार 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 घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। अब हमारे घर की रक्षा तो हम करेंगे, हमने कौन सी चूड़ियाँ पहन रखी, तो ये अवश्य है कि। और वतन के साथ, वतन के साथ मतलब मोहब्बत ज़रूरी है। वतन तो आपने, मैं कहूँ कि भाल है अपना, मुकुट है। कि ए वतन के रखवालों भारत माता के मतवालों, ए वतन के रखवालों भारत माता के मतवालों, सीमा पर तुम डटे रहो। मैं भूमिका बता दूँ इसकी कि उस समय बार बार घुसपैठ हो रहा था, तभी तो कारगिल अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में कारगिल युद्ध छेड़ा था, कि बार बार घुसपैठ होता है, घुसपैठिए घुसपैठिए। तो उस पर कि ए वतन के रखवालों भारत माता के मतवालों, सीमा पर तुम डटे रहो, सीमा पर तुम डटे रहो दुश्मन से तुम सटे रहो, सीमा पर तुम डटे रहो दुश्मन से तुम सटे रहो। वो चाल दोगली चलता है, वो चाल दोगली चलता है भारत माता पे जलता है, वो चाल दोगली चलता है भारत माता पे जलता है। भारत की बढ़ती गरिमा को, भारत की बढ़ती गरिमा को वो देख देख के मरता है,
भारत की बढ़ती गरिमा को वो देख देख के मरता है, आतंकी हमले करवाता है, आतंकी हमले करवाता है, निर्दोषों को मरवाता है, आतंकी हमले करवाता है, निर्दोषों को मरवाता है, कश्मीर छीनना चाहता है, हमें उसे खदेड़ना आता है, कश्मीर छीनना चाहता है, हमें उसे खदेड़ना आता है, उसको औकात बता देंगे, उसको औकात बता देंगे, घुटनों के बल लेटा देंगे, उसको औकात बता देंगे, घुटनों के बल लेटा देंगे। और चाहा भारत ने जब कब, और चाहा भारत ने जब कब, भारत में उसे मिला देंगे, और चाहा भारत ने जब कब, भारत में उसे मिला देंगे। मिट जाएगा अस्तित्व जहाँ से, मिट जाएगा अस्तित्व जहाँ से, क्यों ऐसा करवाना चाहता है, मिट जाएगा अस्तित्व जहाँ से, क्यों ऐसा करवाना चाहता है, और एक शांति दूत सन्यासी को क्यों जल्लाद बनाना चाहता है, एक शांति दूत सन्यासी को क्यों जल्लाद बनाना चाहता है। जय हिंद, जय भारत। भारत शांति दूत है, विश्व गुरु है, और इसी परिप्रेक्ष्य में ये पंक्ति मैंने अंतिम में जोड़ी। और भारत ने विश्व कल्याण की कामना की है, सदैव करता है और करता रहेगा, और इसीलिए विश्व गुरु का तमगा भारत के हिस्से में मिला है और रहेगा। और हम सभी भारतीयों का दायित्व भी है कि विश्व गुरु का ये तमगा हमारे पास सदैव रहे। अब मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ही राष्ट्रीयता के ऊपर लिखी है, तो राष्ट्रीयता की भावना होना भी अति आवश्यक है जीवन में। राष्ट्रवादी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा रोटी कपड़ा मकान तभी सुरक्षित है जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। तो राष्ट्रीयता बहुत है, तो राष्ट्रीयता का मतलब ये नहीं कि देश की सुरक्षा, वो तो प्राथमिक है, लेकिन आंतरिक सामाजिक रूप से भी हम राष्ट्रवादी बने, राष्ट्र के, भारत के एक आधार स्तंभ बने। दशा से दिशा, मैंने दशा से दिशा नाम से इस कविता की रचना की है, और इसमें भी मानवीय सामाजिक दृष्टिकोण है, भावनाएं हैं, हो सकता है आप सभी को पसंद आए। वो उदास है क्यों कभी हमने पूछा नहीं, वो उदास है क्यों कभी हमने पूछा नहीं, जिंदगी में हो गए गुम, जिंदगी में हो गए गुम, किसी का ख्याल रहा ही नहीं, जिंदगी में हो गए गुम, किसी का ख्याल रहा ही नहीं। बस्ती जल गई, राख भी ठंडी हो गई, बस्ती जल गई, राख भी ठंडी हो गई, हम ये देखते रहे, आग हम तक पहुंची नहीं, हम ये देखते रह गए, आग हम तक पहुंची नहीं। न जाने कितने यतीम हो गए, न जाने कितने यतीम हो गए, कितनों की आह निकल रही, न जाने कितने यतीम हो गए, कितनों की आह निकल रही, हम कमोबेश करते रहे कि कितनों की सांसें चल रही, हम कमोबेश करते रहे कि कितनों की सांसें चल रही। कई घायल जो बिलख रहे थे, कई घायल जो बिलख रहे थे, क्या वो सब अपने थे, कई घायल जो बिलख रहे थे, क्या वो सब अपने थे, पर मन में ये एहसास नहीं था, पर मन में ये एहसास नहीं था, दर्द तनिक भी काश नहीं था, मन में ये एहसास नहीं था, दर्द तनिक भी खास नहीं था, चिंताएं मन को घेरे ऐसा सीखा पाठ नहीं था, चिंताएं मन को घेरे ऐसा सीखा पाठ नहीं था, पर ये सब देख देख के मन में कुछ विचलन हुआ, पर ये सब देख देख के मन में कुछ विचलन हुआ, पर ये सोच कर कुछ था, पर ये सोच कर खुश था, अपनों को कुछ ना हुआ, पर ये सोच कर खुश था, अपनों को कुछ ना हुआ। इसी उधेड़ बुन में जिंदगी कट रही है, इसी उधेड़ बुन में जिंदगी कट रही है, हम बुत के जैसे हैं और सांसें चल रही हैं।
हम बुत के जैसे हैं और सांसें चल रही है, किसी की लाचारियों को मन समझ नहीं पाया, किसी की लाचारियों को मन समझ नहीं पाया, यहाँ सब कुछ घटित हो गया, यहाँ सब कुछ घटित हो गया, पर मैं किसी के काम न आया, पर मैं किसी के काम न आया। कहाँ गए वो संस्कार, कहाँ गए वो संस्कार, वो मर्यादा की सौगातें, कहाँ सिमट के रह गई वो नैतिकता की बातें, कहाँ सिमट के रह गई वो नैतिकता की बातें। मैंने इनको बहुत है खोजा, मैंने इनको बहुत है खोजा इस समाज के दर्पण में, मैंने इनको बहुत है खोजा इस समाज के दर्पण में। प्रेम नहीं बस बर्बरता है, प्रेम नहीं बस बर्बरता है इस समाज के जंजन में, प्रेम नहीं बस बर्बरता है इस समाज के जंजन में। करो पहल अब ऐसी यारो, करो पहल अब ऐसी यारो, कमी नहीं है तप बल में, विश्व गुरु जिसका तमगा है, विश्व गुरु जिसका तमगा है, जिसकी ताकत जनगण में। सारे सपने साकार करो, सारे सपने साकार करो, जो देखे भारत के जन्ने, जो देखे भारत के जन्ने, जो देखे भारत के जन्ने। जय हिंद साहब। कविताओं का दौर तो कंटिन्यू चलता रहेगा, अब मैं आप के सामने एक और पंक्ति, ये माँ के ऊपर मैंने कविता लिखी है, और माँ ये कहता हूँ कि सब कुछ जो है जग में वो माँ है, माँ से सब परे है, ईश्वर सब कुछ माँ है, और माँ से बड़ा कोई नहीं है, और माँ की दिव्यता शीर्षक नाम दिया है मैंने इसको, माँ की दिव्यता। इस जग का आधार है, इस जग का आधार है, सबकी पालनहार है, इस जग का आधार है, सबकी पालनहार है, दुनिया जिसको वंदन करती माँ ऐसा उपहार है, दुनिया जिसको वंदन करती माँ ऐसा उपहार है। इससे घर संसार है, इससे घर संसार है, माँ तो तारणहार है, माँ के चरणों में तो यारों सब सुख का भंडार है। माँ एक दिव्य विचार है, माँ में शक्ति अपार है, माँ की शिक्षा ले लो यारो, माँ जीवन मुक्ति का द्वार है। माँ एक दिव्य विचार है, माँ में शक्ति अपार है, माँ की शिक्षा ले लो यारो, माँ जीवन मुक्ति का द्वार है। जीवन का ये सार है, समझ सको तो प्यार है, माँ का कभी तिरस्कार न करना, माँ का कभी तिरस्कार न करना, माँ धरती पर करतार है, माँ धरती पर करतार है। ये माँ के चरणों में समर्पित है। और अब मैं अपनी रचना सुनाना चाहता हूँ जो आपको पसंद आएगी, लॉकडाउन के तहत ही मैंने लिखी थी, श्रृंगार रस पर ये कविता लिखी हुई है। थोड़ा उर्दू में लिखने का प्रयास है, और उर्दू के शब्दों का बहुत ही अच्छा समायोजन करने का मैंने प्रयास किया है, तो वो इसको दिल में जगह दे, नासिक इल्म से कभी शायरी पैदा नहीं होती, मैं तो इच्छा जो करती है ना तो मैं वैसा ही लिखने का प्रयास करता हूँ। अब पसंद आए या नहीं आए वो आपके ऊपर है, मैंने प्रयास किया है, मेरे प्रयास को आप सराहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आपके सामने ये भी श्रृंगार रस के ऊपर है, तो श्रृंगार रस पे देखिए, नाम इसको मैंने दिया है मगरूर हसीना। थोड़ा अलग फ्लेवर भी हो जाएगा कि कुछ अलग चल रहा था बीच बीच में, फ्लेवर चेंज कर करके आपके सामने, कि मगरूर हसीना नाम दिया है मैंने इसको। और सुनिए कि बहकी बहकी सिमटी सिमटी, बहकी बहकी सिमटी सिमटी, मेरे शहर की हूर गदर मचाने वाला है, देखो उसका नूर। बहकी बहकी सिमटी सिमटी, मेरे शहर की हूर और गदर मचाने वाला है, देखो उसका नूर।
हुस्न मचलता आहें भरता, हुस्न मचलता आहें भरता, देखो जरा सरूर और कत्ल दिलों को कर रही, कत्ल दिलों को कर रही, देखो ये मगरूर। सुन मगरूर हसीना, पूरा वार्तालाप है इसमें एक तरीके से। सुन मगरूर हसीना, हुस्न पर कैसा तुझे गुरूर, सुन मगरूर हसीना, हुस्न पे कैसा तुझे गुरूर, और मैं आदिल बनकर के उसको कर दूँ चकनाचूर, मैं आदिल बनकर के उसको कर दूँ चकनाचूर। तेरी आबो हवा में, तेरी आबो हवा में रम जाऊँगा, तेरी आबो हवा में रम जाऊँगा, चाहे कितना करो फितूर, एक दिन बाहों में आओगी, एक दिन बाहों में आओगी, ये सुन ले जाने अदा ज़रूर। इस जीवन में मैं लाऊंगा तेरे नौबहार, इस जीवन में मैं लाऊंगा तेरे नौबहार, फिर अपनी बाहों में घेरोगी और करोगी प्यार। गौर करोगी मेरे इश्क पे, गौर करोगी मेरे इश्क पे, हट जाएंगे गुबार अपनी चाहत मुझे जताकर, अपनी चाहत मुझे जताकर कर दोगी इकरार, अपनी चाहत मुझे जताकर कर लोगी इकरार। जिगर का तोहफा यों तुम दोगी, जिगर का तोहफा यों तुम दोगी, खिल जाए अबसार, खिल जाए अबसार, और हमराही बनकर जीवन को कर दोगी गुलजार, और हमराही बनकर जीवन को कर दोगी गुलजार। ये लॉकडाउन के तहत श्रृंगार रस जैसी इच्छा है तो वैसी मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और अब मैं आपको अपनी सुनाना चाहता हूँ। मैं नवयुग के नव भारती नाम से मैंने ये कविता दी है और प्रयास किया है कि हम सबको दम भरना है, हम सबको दम भरना है, आज हिमालय चढ़ना है, नवयुग के हम नव भारती, नवयुग के हम नव भारती, काम सकल अब करना है। इच्छाओं को प्रबल बनाकर, इच्छाओं को प्रबल बनाकर लहरों से टकराना है, जाति धर्म और भेदभाव को सृष्टि से आज मिटाना है। हम सबको दम भरना है, आज हिमालय चढ़ना है, नवयुग के हम नव भारती, काम सकल अब करना है। कलुषित तन्ना कलुषित मन हो, कलुषित तन्ना कलुषित मन हो, ऐसी अलख जगाना है, हर एक पिछड़े अपने साथी को, हर एक पिछड़े अपने साथी को क्षमतावान बनाना है। हम सबको दम भरना है, आज हिमालय चढ़ना है, नवयुग के हम नव भारती, काम सकल अब करना है। नवयुग के नव अर्जुन बनकर, नवीन युग है तो नया अर्जुन ही बनना पड़ेगा, नवयुग के नव अर्जुन बनकर नव चक्र व्यूह अब रचना है, देश अहित करने वालों का शीश कलम अब करना है। नवयुग के नव अर्जुन बनकर नव चक्र व्यूह अब रचना है, देश अहित करने वालों का शीश कलम अब करना है। हम सबको दम भरना है, आज हिमालय चढ़ना है, नवयुग के हम नव भारती, काम सकल अब करना है। खुद का गौरव पहचानो, खुद का गौरव पहचानो, माटी की शक्ति को जानो, खुद का गौरव पहचानो, माटी की शक्ति को जानो, आज भुजाएं खड़ी करो, अब दुनिया को दिखलाना है। हम सबको दम भरना है, आज हिमालय चढ़ना है, नवयुग के हम नव भारती, काम सकल अब करना है। जय हिंद, जय भारत सब। और ये मेरी कविता आपके समक्ष, नवयुग के नव भारती, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और साथ ही साथ में ये भी आशा करता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को
एक तुच्छ आनंद तो प्रदान कर ही गया होगा, और किसी प्रकार से मेरे से कोई गलती होती है किसी शब्द से तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आशा करता हूँ आप सभी का सहयोग, प्यार, आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहा तो मैं आगे भी इसी प्रकार से लिखता रहूँगा। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।